तो गाइस इन दिनों इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट पर राहुल राजपूत का वीडियो आपने जरूर देखा होगा। मेरे दोस्तों का जिंदगी भर साथ रहे यही दुआ ऊपर वाले से मांगता हूँ। पता नहीं तुझ जैसे गंडमरे दोस्त को क्यों इतना चाहता हूँ। तो आइए जानते हैं राहुल राजपूत कौन है और कहां से आते हैं और वो सभी बातें जानेंगे जो आपको नहीं पता होगी। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। राहुल राजपूत का जन्म 30 दिसंबर 1997 को जयपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अनिकेत राजपूत है जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और इनकी माताजी का नाम स्वरा राजपूत है जो एक हाउसवाइफ हैं। राहुल का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम रोशन है। राहुल राजपूत की प्रारंभिक शिक्षा जयपुर से ही पूरी हुई और आगे की पढ़ाई करने के लिए ये अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली आ गए जहाँ इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई पूरी की। राहुल को बचपन से ही जिंदगी में कुछ अलग करने की चाहत थी। राहुल बचपन से ही थोड़े कॉमेडियन टाइप इंसान थे इसीलिए स्कूल और कॉलेज में कोई भी फंक्शन होता था तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए करते थे। तभी उनका एक दोस्त बोला क्यों नहीं तुम टिकटॉक और यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो। तब अपने दोस्त के कहने पर टिकटॉक पर कॉमेडी वीडियो डालने लगे और इसी के साथ यूट्यूब पर अपनी रोस्ट वीडियो डालने लगे। कुछ दिनों तक मेहनत करने के बाद टिकटॉक पर इनकी एक वीडियो वायरल हो गई जिसके बाद से इनको टिकटॉक पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी मिलने लगी थी। लेकिन अचानक भारत सरकार द्वारा टिकटॉक बैन हो जाने के बाद इनकी सारी करियर खत्म हो गई। लेकिन राहुल ने कभी हार नहीं मानी और सोच लिया था कि अब मुझे कॉमेडियन ही बनना है। अपनी बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टैंड अप कॉमेडियन करना शुरू कर दिया जिसके बाद से राहुल को लोगों ने पसंद करने लगे। फिर राहुल ने सोचा क्यों ना एक यूट्यूब चैनल बनाया जाए जिस पर कॉमेडी वीडियो डाला जाएगा। जिसके बाद से राहुल राजपूत के नाम से एक चैनल बनाया जहां वो शो करने जाते थे उसी को रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने लगे। राहुल के यूट्यूब वीडियो को भी लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। अगर आज की बात करें तो राहुल के यूट्यूब पर 600,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और वहीं इंस्टाग्राम पर 400,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। राहुल की बात करें तो राहुल पहले से ज्यादा इस टाइम ज्यादा वायरल हुए हैं क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट पर हर दूसरे तीसरे वीडियो के बाद राहुल का वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। राहुल की पर्सनल लाइफ की बात करें तो ये अपने आप को सिंगल बताते हैं और इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो राहुल ही जानते होंगे। राहुल की फेवरेट थिंग्स की बात करें तो राहुल को कॉमेडी करना, रोस्ट करना और एक्टिंग करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। राहुल की मंथली इनकम की बात करें तो ये लाइव शो और यूट्यूब और इंस्टाग्राम से मिलाकर 15-20 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं। वैसे दोस्तों राहुल का स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो आपको कैसा लगता है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी सोशल मीडिया से अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। तो देखो यार, कहते हैं ना कि पैसों से खुशी नहीं मिलती। मैं भी मानता हूं पैसों से खुशी नहीं मिलती, लेकिन हर वो चीज जिससे खुशी मिलती है वो पैसों से ही मिलती है। तो इसलिए कमाओ भोसड़ी का, और इतना कमाओ जब तक एहसास ना हो जाए कि इंसान हमने पैसे को बनाया। पैसे नहीं, इंसान को नहीं।